सोमवार की सुबह भागलपुर के एसएम कॉलेज स्थित सीढ़ी घाट पर सावन के चौथे सोमवार को गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ गई थी, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल थे। इस दौरान अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़कर श्रद्धालु गहरे पानी में उतर गए। वहीं नहाते समय लगभग 3 दर्जन से अधिक महिलाएं और बच्चे डूबने लगे, जिससे गंगा घाट पर अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम और आपदा मित्र के 1 दर्जन से अधिक कर्मियों ने तत्परता से गंगा में छलांग लगाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं इस साहसिक बचाव कार्य के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया, जिसके बाद घटना में आपदा मित्र की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा। सावन के चौथे सोमवार को लेकर भागलपुर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्तगण पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे थे। वहीं भागलपुर के प्रमुख मंदिर बाबा बूढ़ानाथ, शिव शक्ति मंदिर, गोनू बाबा धाम और मनस्कामना नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में महिला, पुरुष और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण कर रहे थे। वहीं मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए माइकिंग के माध्यम से उन्हें कतारबद्ध होकर पूजा करने का निर्देश दिया जा रहा था। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपनी पूजा अर्चना कर सके। पूजा पाठ किया, खुशी पूर्वक पूजा पाठ किया, मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा पाठ किया था। खुश नहीं, बस सभी लोग खुश रहे, उसके साथ मैं भी खुश रहूँगा। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सुबह से दूध की व्यवस्था थी, गंगा जल का टैंकर लगा हुआ है, बाकी हर तरह की सुविधा श्रद्धालुओं को, शिव भक्तों को जलार्पण के लिए प्रथम सोमवार में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने जलार्पण किया और हर सोमवार उसकी संख्या, भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है। आज ऐसा लग रहा है कि 1,00,000 से ज़्यादा लोग यहां पर जलार्पण करेंगे, क्योंकि सुबह 3 बजे से ही, हमें लगता है 3 बजे जब पट खुला मंदिर का, तो उस समय 1,00,000 लोग यहां पर सुल्तानगंज से जल भर कर आ चुके थे और सुबह से ही सड़क तक लाइन लगी हुई है लगातार और श्रद्धालु लगातार जल अर्पण कर रहे हैं बाबा को। भागलपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने 2 चैन स्नेचर को रंगे हाथ पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, लोगों के द्वारा उसे बिजली के खंभे में बांधकर पीटा गया, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना डायल 112 को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने लोगों के चंगुल से चोर को छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि पूरा मामला भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स के समीप की है, जहां सोमवार की शाम एक चैन स्नेचर ने एक 6 वर्षीय बच्ची को अपना शिकार बनाया और बच्ची के गले से सोने का लॉकेट चोरी कर भाग रहा था। तभी स्थानीय लोगों की नजर चेन स्नेचिंग करते चोर पर पड़ी। फिर क्या था, लोगों ने उस चेन स्नेचर को पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी, उसके बाद उस चोर को लोगों ने रस्से में बांधकर सड़क किनारे एक पोल से बांध दिया, जिसके बाद उधर से गुजर रहे लोगों ने पूरे घटना का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं घटना को लेकर बच्ची की माँ खुशबू देवी ने बताया कि हम लोग सबौर के रहने वाले हैं और घंटाघर स्थित अपनी बच्ची को एक डॉक्टर के पास दिखाने आए थे, तभी चोर के द्वारा उसके गले से सोने का लॉकेट चोरी कर लिया गया। उन्होंने बताया कि चोर के पैकेट से ही मेरी बेटी का सोने का लॉकेट बरामद हुआ है। वहीं डायल 112 के प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि चोर को स्थानीय लोगों से मुक्त कराकर उसे जोगसर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं चोर के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद हुआ है। मतलब बच्चे को दिखाने आए थे, हाथ पकड़ के खड़े थे, मेरा बच्चा का चक्की काट के भाग गया। कौन भागा? चोर। एक चोर था? 3 ठो था। उसको पकड़ाया? 2 को पकड़ाया, एक को नहीं पकड़ाया। कैसे पकड़ाया? पकड़ाया शोरूम में, कौन शोरूम है ना बगल में, उसी में चोरी कर रहा था, उसी को पकड़ा गया। अब सामान आपके ग्राहक? हाँ, सामान मेरा पकड़ा गया, उसी पैकेट में निकला। हाँ, उसी पैकेट में। हाँ, मारपीट किया था, प्रशासन पहुंचा बस छोड़ दिया। क्या बोले? नाम क्या था? खुशबू देवी। कहाँ से आई? सबौर। कोई है बजाज शोरूम के पास से फोन गया, हम 112 के पुलिस पदाधिकारी हैं, कि
चोर यहाँ पर बच्चे लोगों को लॉकेट काटा है। हम अविलंब पहुँचे, आने के बाद पब्लिक वही काफ़ी जुट गई। जुटने के बाद पकड़ा हुआ चोर को, लोग से पूछ किया, उसको हम चोर को पकड़े। सब वहाँ पर लोग उपस्थित हो गया, बहुत से जो किस थाना को सूचित की सर, जोगसर थाना। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की पीजी छात्रा डॉक्टर मोमिता देवनाथ की कॉलेज परिसर में रेप एवं निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध ने हमारे देश को एक होनहार डॉक्टर से वंचित कर दिया है। दरअसल यह दर्दनाक घटना कॉलेज के भीतर ही हुई है और यह कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा में भारी चूक के कारण मुमकिन हो पाई है। वहीं इस दुखद घटना के बाद JLNMCH के UG एवं PG छात्राओं ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति देने की कामना करते हुए न्याय की मांग के लिए कैंडल मार्च निकाला। मेडिकल छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और सुरक्षा प्रबंधकों की लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। डॉक्टर हैं हम, डॉक्टर हैं हम, अन्याय हमें, अन्याय हमें, अन्याय हमें, वी वांट डॉक्टर हैं हम, डॉक्टर हैं हम। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर, लाजवाब है। और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा, ये देखो है ना। तो आ जाओ फिर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर के जाने माने दवा व्यवसायी बलराम केडिया के पुत्र रौनक केडिया की बीते बुधवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से व्यवसायिक और राजनीतिक संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेता ने मृतक रौनक केडिया के पिता बलराम केडिया से उनके आवास पर मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं मुलाकात के दौरान बलराम केडिया ने पुलिस पर विश्वास जताया, लेकिन साथ ही कहा कि अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने उनके घर पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, लेकिन उन्होंने मांग की है कि उनके दुकान पर भी सुरक्षा प्रदान की जाए जब तक दुकान खुली रहती है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यदि 3 दिन के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे भागलपुर में आमरण अनशन करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने भी बलराम केडिया से मुलाकात कर कहा कि वर्तमान सरकार में हत्या आम बात हो गई है, लेकिन एक युवा व्यापारी की हत्या पुलिस प्रशासन की विफलता को दर्शाती है। उन्होंने हत्यारों के शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। दुखद जो है ये घटना हुआ, जो दूसरों का जीवन देता था, जो बालक दवाई देके सलाइन देके आज जो है उसी रौनक को जो है जान ले लिया गया है। बहुत जघन्य जो है और बहुत ही हम लोग इससे मर्माहत हैं। इनके पिताजी से मिले थे और अभी फिर हम लोगों ने महागठबंधन के जो है जितने दल के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सब ने एक जो है बैठक किया था कि हम लोग सब जो है इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे वहाँ, और जाने के बाद वहाँ वस्तु स्थिति को देखेंगे कि क्या हुआ। तो एक चीज़ हमको समझ में आई कि अभी गार्ड दिया गया है, गार्ड का जो है प्रोविज़न है यहाँ पर, लेकिन हमको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो है परिवार बहुत डरा हुआ है। तो हम पुलिस प्रशासन के लोग से, खास करके SSP महोदय से जो है कहना चाहेंगे कि विलंब जो है आप लिया या जो रौनक केडिया के जो हथियारे हैं उनको पकड़ के सलाखों के पीछे लाया जाए। भागलपुर में इतना बड़ा रौनक की का हत्या हुआ है,
हम लोग सारे भागलपुर वासी गमगीन हैं कि ऐसे बालक की हत्या बच्चे की हुई है। इनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन फिर भी हत्यारे इनसे हत्या करके चले गए। आज इतना दिन हो गया, प्रशासन अभी तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम है और इसका राज का उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है, क्यों हत्या हुई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी। दरअसल ये बातें जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी गई, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, अनामिका शर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर संपूर्ण राज्य में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर द्वारा भी जिले में चरणबद्ध तरीके से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रवीण कुमार झा ने कहा कि विगत कई वर्षों से बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर बिहार को एक पैकेज देकर जुमलेबाजी करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीरपैंती में पावर प्लांट पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है, जो आज पीरपैंती में पावर प्लांट की जुमलेबाजी हो रही है। ये प्रेस वार्ता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर रखी गई। जैसा कि मालूम है आप लोगों सबको कि हम बिहार के लोग, जब बिहार का बंटवारा हुआ उसके बाद बिहार में कुछ नहीं बचा। खनिज संपदा जो है वो सारा का सारा झारखंड में चला गया। हमारे पास बिहार में बेहतर तरीके से बिहार को संचालन करने के लिए अर्थ की व्यवस्था भी जो है उस वो भी नहीं रही। हर एक बार ये अभी केंद्र की मोदी सरकार ने दिलासा दिलाया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। कई मीटिंगों में उन्होंने कहा, बिहार जब आए तब कहा, लेकिन हमेशा जो है वो बिहार को छलते ही गए। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का जो है आदेश आया। उसके बाद हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखेंगे। प्रत्येक जिला के प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा और जब तक के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हम जो है ये लड़ाई लड़ते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आज कई वर्षों से इस चीज़ की मांग उठ रही है, लेकिन नीतीश जी एनडीए में रहते हुए सफल नहीं हो पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। उनकी भी पहले ये मांग रही है, लेकिन अभी तक विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इनको एक लुभावना सा विशेष पैकेज का की बात की गई है, वो भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि एक तरह से जुमलाबाजी। जब मनमोहन जी की सरकार थी और वो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, 2010 में ही इस चीज़ का इम्प्लीमेंट किया गया था। ये पीरपैंती में जो अभी पावर प्लांट की बात हो रही है वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किया गया था और 6 लेन का भी ये किया गया था। आप इसको बढ़िया से इंक्वायरी करके पता कर लें। ये कांग्रेस की देन थी। बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट था जो कि आज 14 वर्षों के बाद उन्होंने इस चीज़ को लागू किया है। स्मार्ट सिटी भागलपुर के लोगों के लिए एक नई सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल 15 अगस्त से शहर के मुख्य बाजार खरमनचक में कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर का शुभारंभ होने जा रहा है। दरअसल यह थिएटर पूरी तरह से बनकर तैयार है और लोगों के मनोरंजन के लिए आधुनिक तकनीक से लैस है।
सोमवार को थिएटर के प्रबंधक ने इस स्मार्ट थिएटर की खूबियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थिएटर में अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, हाई डेफिनेशन स्क्रीन और आरामदायक सीटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे दर्शकों को सिनेमा देखने का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। वहीं कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर में दर्शकों के लिए कई नए और उन्नत सुविधाएं भी मिलेगी, जैसे लोगों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कैफेटेरिया और सिनेमा हॉल के अंदर नवीनतम फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। भागलपुर के लोग अब अपने शहर में ही स्मार्ट थिएटर का आनंद ले सकेंगे, जो 15 अगस्त को इस थिएटर का उद्घाटन होने के बाद यह शहर के मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा। ये सूचना देते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि भागलपुर का सबसे पहला लग्जरी सिनेमा पब्लिक सिनेमा के तरफ से 15 अगस्त को इसका उद्घाटन होने वाला है कमर्शियल ऑपरेशन के साथ। 13 तारीख को इसका ऑपरेशन है, 15 तारीख से इसकी फर्स्ट मूवी जो है कि जो तीनों नई पिक्चरें आ रही है, स्त्री टू, नेता और खेल खेत में, इसका जो चलन है प्रचलन को शुरू किया जाएगा। और हम सभी भागलपुर निवासियों से निवेदन करते हैं कि आपके इस सिनेमा को आप अपना मनोरंजन का लुत्फ उठाएं और आनंद भी लें।